साथियों गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ZPay एप्लीकेशन में नए मेथड से एड फंड कैसे करना है। बहुत बड़ी अपडेट हम सभी के लिए ZPay बिजनेस में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है अब तक हम एड फंड मैनुअल कर रहे थे, लेकिन आज से यानी 3 जुलाई से आप सभी के लिए ZPay ने नया एड फंड सिस्टम लागू कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और शानदार है दोस्तों। आप पूरा वीडियो जरूर देख लेना और अपने टीम के साथ जरूर शेयर कर लेना, क्योंकि अब आप इस बार UPI, QR कोड, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ऐसे पास करके से एड फंड कर सकते हैं। और आपको मैं एक एक करके सिखाने वाला हूं। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपका दोस्त सचिन सूर्यवंशी ZPay बिजनेस की हर एक अपडेट, हर एक इंफॉर्मेशन इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आता हूं। अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइम टाइम से अपडेट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को मेरे ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको टाइम से अपडेट मिले। तो चलो चलते हैं एड फंड में। तो आप सभी को पता है फर्स्ट ऑप्शन एड फंड, यहाँ पर जाना है। जैसे आप एड फंड में जाते हैं तो आप अभी यहाँ पर 500 रुपये से ऊपर कितनी भी अमाउंट ऐड कर सकते हैं। तो मैं पहले एज अ ट्रायल आपको यहाँ पर 500 भी दिखा सकता हूँ, 2000 भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं 600 रुपये के ट्रायल करता हूँ। तो हमने 600 रुपये अमाउंट एंटर की है। पे नाउ ऑप्शन है, यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करनी है। जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक सिस्टम ओपन होते हुए नजर आएगी आपको, देख सकते हैं यहाँ पर। और यह देख लीजिए, जेड बाजार सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ही पेमेंट होगा आपका। ऊपर आपका नंबर डिटेल आ जाएगी। आपको सबसे पहले मैं UPI से पेमेंट कैसे ऐड करना है उसको खोल के दिखाऊंगा। UPI में जाएंगे तो आपको यहाँ पर UPI ID डालनी है। किसकी डालनी है? अपनी खुद की। तो मेरी मैं डाल देता हूँ। अपनी जो भी UPI ID है आप डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ नाम पूछा जाएगा, आपका नाम डाल दीजिए, नंबर तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। जैसे मैं प्रोसीड टू पे करता हूँ, इंस्टेंटली मेरा गूगल पे, फोनपे पे जो भी मेरा UPI ID जिसमें जिस एप्लीकेशन में है वो एनेबल हो जाएगा और मुझे पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए, पे नाउ का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं पे नाउ जैसे करता हूँ तो ठग से मेरा यहाँ पर डेबिट होने वाला है 600 रुपये। यहाँ पर देख लीजिए, पेमेंट करने के लिए बोल दिया है ZPay को। और यहाँ पर जैसे मैं पे नाउ करता हूँ, जस्ट सेकंड के अंदर ना आपको फंड रिक्वेस्ट लगानी है, ना ही आपको अपलाइन को कॉल करनी है, ना ही कंपनी को कॉल करने की रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत है। तो है ना दोस्तों अमेजिंग अपडेट। अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 600 रुपये डेबिट हो जाएंगे, तुरंत ही मेरे ZPay वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है, और इसमें नोटिफिकेशन को ओके करता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए 600 रुपये एड फंड हो चुका है। मैं आपको मेरे फंड रिक्वेस्ट में भी दिखा देता हूँ ऑटोमेटिक। दोस्तों कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पर देख लीजिए टक से 600 रुपये ऐड हो चुका है। पहला मेथड UPI। अब हम दोबारा एड फंड में जाएंगे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर 500 रुपये करके दिखाऊंगा। ठीक है, 600 रुपये पहले क्या था, अब हम 500 रुपये के लिए पेमेंट कर रहे हैं। अब हम इस बार मेथड जो अपडेट करने वाले हैं वो करने वाले हैं QR कोड अपडेट। ठीक है, तो QR कोड सबसे नीचे, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है तो ज़रूर करिए। अब तक क्या हो रहा था, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, सर मैं बाद में दूंगा या अभी मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों अब आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, आप अपने क्रेडिट कार्ड से करिए, आप बाद में अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करिए। तो स्कैन QR कोड से मैं दोस्तों पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। इसका क्या करना है, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ पर नीचे भी प्रोसीड टू पे आ रहा है, देख सकते हैं प्रोसीड टू पे, यहाँ पर भी मैं जाऊँगा या तो मैं डायरेक्ट QR कोड को अपने UPI ऐप में खोलूँगा। जैसे कि मेरा फ़ोनपे मैंने आपको दिखा दिया था, अगेन मैं यहाँ पर QR कोड पे जाऊँगा। QR कोड आप ओपन करेंगे, गैलरी में जो भी आपने फोटो लिया है, हर बार हो सकता है QR कोड नया मिले। तो याद रखना, जब भी आप जाएंगे 5 मिनट का समय है, 5 मिनट के अंदर ये अमाउंट आपने पे करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ZPay लिख दिया है और अगेन 500 रुपये मैं QR कोड के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। ये देख लीजिए 500 रुपये डन और तुरंत ही मेरे वॉलेट में क्रेडिट। जबरदस्त सिस्टम है दोस्तों, तुरंत ही अगेन मेरे वॉलेट में क्रेडिट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहां पर। तो दोस्तों यहां पर अगेन मैं आपको मेरा फंड वॉलेट खोल के दिखा देता हूं। पहले हमने 500 रुपये किया था, सॉरी पहले हमने 600 रुपये किया था और अब हमने 500 रुपये किया है। तो इस टाइप से आप QR कोड और UPI से अपना पेमेंट ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अगेन आपको एड फंड में जाके अगेन 1000 रुपये का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का भी डेमो दिखा देता हूं, ताकि आपको सारे एड फंड प्रोसेस समझ में आ जाए। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर है आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ऑप्शन। तो दोस्तों जैसे हम यहां पर
डेबिट कार्ड में जाएंगे या क्रेडिट कार्ड में जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड किसी में भी जाइए। जैसे मैं क्रेडिट कार्ड में जाऊँगा, मेरे क्रेडिट कार्ड का पूरा 16 डिजिट डालना है, यहाँ पर एक्सपायरी डेट, ईयर और सीवीवी नंबर होता है क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड के ऊपर, वो डालना है और डायरेक्ट यहाँ पर प्रोसीड टू पे कर देना है। आपका पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से डेबिट हो जाएगा और तुरंत ही यहाँ पर जेडपे के फंड वॉलेट में, जैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके फंड वॉलेट में यहाँ पर पेमेंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर पेमेंट ऐड हो जाएगा उसके बाद आप अपना प्राइम लीजिए यहाँ सर प्राइम ऑप्शन से, या तो माय बिजनेस में भी जाके यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक्टिवेशन एंड अपडेटेशन ऑप्शन है, वहाँ से भी आईडी अपग्रेड कर सकते हैं, या विड्रॉल एंड ट्रांसफर में जाके ये फंड अपने डाउनलाइन टीम को भी यहाँ से ट्रांसफर ईजिली कर सकते हैं, या अपने खुद के रिचार्ज पर भी आप जो है यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अमेजिंग अपडेट, इसके लिए हम परेशान हो रहे थे और हमें ऑथराइज पेमेंट गेटवे बैंक का मिला है जो कि हमें 4 या 5 प्रकार के तरीके से ऐड फंड करने के लिए यहां पर ऑप्शन दे रहा है। जैसे कि मैं नेट बैंकिंग का भी दिखा देता हूं, अगर आपके पास गूगल पे फोन पे नहीं है, आप नेट बैंकिंग चलाते तो नेट बैंकिंग ऑप्शन भी अवेलेबल हो चुका है और सारे बैंक्स का अवेलेबल हो चुका है। तो दोस्तों इस ऐड फंड की अपडेट को आप प्रैक्टिस करिए, ऐड फंड करके देखिए और अपने टीम को भी ये वीडियो शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में जेडपे के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।